आदाब नमस्कार सत श्री अकाल प्रणाम शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती है स्वागत करती है आपके चहेते प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर मोस्ट वर्सेटाइल एंड कमिटेड एक्टर जिनकी अदाकारी का कोई जवाब नहीं कोई सानी नहीं 25 सालों से ये हिंदुस्तानी सिनेमा पर अपनी अदाकारी का परचम लहरा रहे हैं और इन्होंने कई सारी लोगों से इतनी तारीफें बटोरी हैं कि कुछ नहीं कह सकते हाँ आज ये बहुत कुछ कहेंगे अपनी जुबानी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नन अदर देन पवन मल्होत्रा जी बहुत बहुत खुशामदीद है आपका हमारे इस प्रोग्राम और सभी देखने वालों को पवन मल्होत्रा का हाय नमस्कार सत श्री अकाल सलाम अलैकुम आपने तो हर एक तरह की फिल्म की है हर एक जॉनर की फिल्म की है आपसे ये जानना चाहेंगे पहले कि एक्टिंग की शुरुआत जब आपने की तब आपको लग रहा था कि आप इतना लंबा सफर तय करेंगे और इस अंदाज से करेंगे कि हर एक तरह का किरदार आपके हक में आएगा बिल्कुल नहीं मैं दिल्ली से हूं और पंजाबी फैमिली से हूं मेरे फादर बिजनेस में थे मशीन टूल्स का बिजनेस था हमारा क्या करेंगे ये सोचा नहीं था शायद बैक ऑफ द माइंड था कि एक दिन फादर का बिजनेस मशीन टूल्स हाँ और आपके फादर चाहते भी थे कि आप एज अ बिजनेसमैन सामने आए जी जी क्योंकि फैमिली बिजनेस था हमारा पर इस दौरान देखिए डेस्टिनी में मेरा बहुत विश्वास है और अब तो और ज्यादा ज्यादा होता जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही कोई भगवान है कोई एक ताकत है जो कहीं लेके शक्ति है जो लेके जाती है कोर्ट पाना तू इंडिया का कोर्ट पाना है एमए नहीं मिलता इंडिया का कोर्ट कमाना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है दौड़ना पड़ता है उसके लिए उसके लायक बनना पड़ता है मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय स्कूल एक मेरा बचपन का दोस्त माय नेबर वो मॉडर्न स्कूल से था जहां बहुत सीरियस थिएटर होता था दिल्ली में उनके एक स्टूडेंट्स ने एक थिएटर ग्रुप बनाया था और उसने मुझसे कहा कि थिएटर में काम करेगा और इनफैक्ट जब मुझे ये पता चला कि एक ऐसा जगह ये प्ले होगा जहाँ टिकट होगी तो मैंने बोला मुझे क्यों लेंगे बट एनीवे हम गए और मुझे एक ही उस तुगलक प्ले था उसमें छह अलग अलग मैंने किरदार किए सिपाही एंड क्राउड और इस तरह से रुचिका थिएटर ग्रुप था उन्होंने मुझे बोला आप हमारे मेंबर क्यों नहीं बनते हो आप तो अच्छा करते हो अब मेरे लिए तो एकदम नई दुनिया थी मतलब एक नई खिड़की खुली थी सब कुछ ये एक अलग ही दुनिया का था और फिर मुझे कुछ आनंद आने लगा उसमें वो भी मुझे रोल देने लगे फैसल अलकाजी ने एक्चुअली अनजाने में मुझे एक्टर बनाया अलकाजी साहब के बेटे हैं फैसल अलकाजी वो उनका रुचिका थिएटर ग्रुप में वो करते तो उन्होंने मुझे अलग अलग किरदार देने शुरू किए फिर एक प्ले फादर में मैंने ऑर्डरली का रोल किया तो पहली बार अखबार में मेरा नाम आया जिसमें लिखा था पवन मल्होत्रा एज ऑर्डरली वाज इंप्रेसिव कई हफ्तों तक मैं उसको देखता रहा संभाल के रखा होगा और घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि थिएटर और ये सब हाँ दूरदर्शन फिर हमने इस प्रोसेस में अलग ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लिया धीरे धीरे पता चला मुझे तो एनएसडी भी नहीं पता था पहले दो प्लेस करने के बाद भी कि एनएसडी जैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है ना उसमें हमारे ग्रुप के एक सीनियर थे आलोक नाथ उन्होंने जब ज्वाइन किया तो मुझे पता चला अच्छा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इस तरह से फिर कुछ डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए फिर स्ट्रीट थिएटर करने लगे तो फिर एक होता ना कि आप बचपन में जिस एरिया में आप पले बढ़े हैं कुछ लड़के वहाँ शाम को एक एज के बाद फुटबॉल खेलते हैं कुछ लोग सिर्फ एक जगह एक लाइब्रेरी है वहाँ अड्डा मारते हैं खड़े होते हैं और हमें थिएटर का चस्का लग गया तो जो कि अच्छा माहौल में आप फिर पले बढ़े हैं और जो आपका अराउंड सर्कमस्टेंसेस या फिर हालात भी आपको फिर लेकर आ जाते हैं वो अपने आप में चला गया मेरे मेरी फैमिली में ऐसा कोई किसी का इस तरह रुझान बिल्कुल रुझान ही नहीं था और मैंने भी उस वक्त भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन मैं एक्टर बनूंगा और कोई मुझे मेरी एक्टिंग के पैसे देगा बल्कि थिएटर तो हम जेब से खर्च करते थे तो कभी दूरदर्शन में कभी कोई स्किट किया या कोई प्ले किया और उसके 75 रुपए या 100 रुपए मिलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था और इसका घर वालों का रिएक्शन क्या रहता था स्पेशली आपके वालिद साहब का जो कभी नहीं चाहते थे कि आप इस क्षेत्र में आए या इस फील्ड में आए देखिए जब तक तो स्कूल कॉलेज में थे तब तक तो उनके लिए ठीक था यू नो इसी दौरान जब हम थिएटर करते रहे तो कॉलेज पहुंच गए कॉलेज में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में जाने लगे वहाँ प्राइज मिलने लगे और ये भी होता था कि कई बार कुछ लोगों ने बोला यार तू बहुत अच्छा करता है बॉम्बे क्यों नहीं आता तो मैं बोलता था भाई मुझे फिल्मों में कौन रोल देगा यू नो उस तरफ सोचा भी नहीं ना हिम्मत थी ना ऐसा लगता था कि कोई
क्योंकि उन दिनों हम तो सोचते थे कि एक्टर फिल्म में बनना है तो मतलब बच्चन साहब या विनोद खन्ना जैसा एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा आदमी होना चाहिए, आपकी जान पहचान होनी चाहिए। और वो एक दौर जैसे दिमाग में ये था कि अगर कोई डीओपी है या कोई डायरेक्टर है तो कोई बूढ़ा ही आदमी है, ऐसा एक दिमाग में रहता था। हम भी बचपन में यही सोचते थे एक डायरेक्टर का इतनी दाढ़ी होगी, ये बिल्कुल ऐसे एक सर्टेन इमेज दिमाग में पेट बाहर इस तरह लेके। लेकिन मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, किसी ने उस रोज मुझे बोला भी कि आपने इतना काम किया है, आप इतने हम्बल क्यों, कि सब कुछ आप हमेशा बोलते हैं भगवान ने किया, पर एक्चुअली भगवान ने किया है। देखिए मैं कुछ प्लान नहीं किया था, वन आफ्टर अनदर इट हैपेंड, एक के बाद एक तह खुलती गई अपने आप। और मैं जैसे समझ लीजिए कि मैंने अपने आप को लहरों के उस पे और वो फ्लोट करता कारवां के साथ आप निकल पड़े बिल्कुल। और पहली फिल्म की शूटिंग जो मैंने देखी, और किस्सा कुछ ऐसा हुआ कि एक टाइम पे जब मैं शाम को अपना पटपटी उठा के 5 बजे थिएटर चले गए, प्ले है कि नहीं है, चले गए, तो एक रोज़ मेरे फादर ने अपने कैबिन में मुझे बिठा के कुछ समझाया कि भाई मशीन टूल्स का बिजनेस सीखना पड़ता है और ये सब में टाइम वेस्ट मत कर। और तो मतलब एक ऐसी स्टेज आई जब मैंने बोला अच्छा अभी और नहीं करूंगा, और मेरा कोई प्ले भी और नहीं था। और गांधी फिल्म गांधी बन रही थी रिचर्ड एटनबरो की, और मुझे हमारी एक थिएटर की दोस्त का फ़ोन आया कि हमें जलियांवाला बाग एक हम सीक्वेंस कर रहे हैं, गांधी फिल्म बन रही है जिसके बारे में मुझे इल्म था कि इस तरह शूट हो रहा, तो उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा है, 2 लोग हमें एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो 13 भी हमने नाम दे दिया। तो मैंने इससे पहले कभी कोई फिल्म शूट देखी नहीं थी, कैमरा सिर्फ मैंने दूरदर्शन का देखा था। तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि मैं कहाँ कर सकता हूँ, मुझे क्या मालूम है इसके बारे में। एंड शी सेड पागल हो गया, हम भी तो कर रहे हैं जैसे थिएटर में करते हैं, तो कर सकता है तभी तेरा नाम दिया। सो एनीवे फॉर 1 हफ्ते के लिए मुझे बोला गया था। मैंने अपने फादर को बोला ये लास्ट, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, ये सर अच्छा कर ले। और 1 हफ्ते के बाद किसी ने मुझे जाने को नहीं बोला, मुझे भी मज़ा आ रहा था, मैं आई कंटिन्यूड, जारी रहा वो किस्सा। फिर उसके बाद वो लोग बॉम्बे आ रहे थे यूनिट, एंड देन यू शिफ्टेड टू मुंबई, देन द वार्डरोब इन चार्ज टोल्ड मी कि आई कांट रन माय वार्डरोब विदाउट यू, आई वांट यू टू टेक टू बॉम्बे। तो मैं तो काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तो मैं तो अपना जो भी मुझे बोला गया वो कर रहा था। फिर उस फिल्म के बाद मुझे लगा कि अब मैं खुद ही कुछ करूँगा। आई टू टेल माई फादर यू आर सेल्फ मेड, आई वॉन्ट टू बी सेल्फ मेड। और फिर मैं एक बॉम्बे एक प्ले के साथ आया, तो मुझे जाने भी दियारों में एक असिस्टेंट प्रोडक्शन वाले का प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम ऑफर किया गया। और एक दोस्त ने बोला भी कम फॉर 4-6 मंथ्स, चेक इट आउट, अगर ठीक लगे तो रुकना, नहीं तो चले जाना। क्या बात है, हम आगे भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विल बी सीइंग यू गाइस राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके चहेते प्रोग्राम खास मुलाकात में। बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है, हमारी खुशनसीबी कि इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर पवन मल्होत्रा हमारे गुफ्तगू में शामिल हैं। आपकी ये फिल्म बाग बहादुर, जो क्रिटिक्स ने भी समीक्षकों ने भी उसे खूब सराहा, स्पेशली आपकी अदाकारी लाजवाब थी, बेमिसाल थी, वो अलग तरह के डांस स्टेप्स थे उसमें, यस उसके लिए आपने खूब मेहनत की थी, तैयारी की थी। देखिए हुआ यूं कि मैं सईद मिर्जा साहब का प्रोडक्शन मैनेजर था, फिर नुक्कड़ सीरियल उनसे मिला, और फिर एक वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे सलीम लंगड़े पे मत्रो फिल्म की, और मैं उनके साथ यूं ही वो इलाका देखने के लिए एक रात गया भी था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्म मुझे मिलेगी। और फिर जो भी हुआ, कुछ सर्कमस्टांसेस भगवान की कृपा कही है कुछ कही, फाइनली सलीम लंगड़े का रोल मेरी झोली में आ गया। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सलीम लंगड़े पे मत्रो एक फिल्म थी जो कि एक मुस्लिम बॉय फ्रॉम डोंगरी, जहाँ से ज़्यादातर स्मगलर्स आए हैं सभी, उसकी कहानी थी। मत मारो भैया, चोट लग जाएगी ना। मेरे को चरस का एको नहीं मिला, मैं फंस गया अनीस। काई को, मेरे को चांस नहीं मिला। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ पर नहीं निकल सकता, मैं फंस गया मैं।
उस फिल्म की शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन चल रही थी और मेरा एक मैगजीन के कवर पे मेरी फोटो थी जो बुद्धदेव दास गुप्ता जी ने कलकत्ता में देखी और उनका कहना है कि मेरी आंखें उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने कुछ लोगों से बात भी की तो उन्होंने बताया ये नुक्कड़ में था और इस तरह और फिर वो मुझे बॉम्बे मिलने आए और बाग बहादुर उन्होंने मुझे एक मैं एक टेलीफिल्म कर रहा था उन्होंने वहाँ आके सेट पे मुझे जब सुनाई तो आधी स्टोरी में ही मैंने अपने आप से कहा पवन मल्होत्रा ये फिल्म तो करनी ही है और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सलीम मंगड़ा का किरदार और वो फिल्म और उससे बिल्कुल अलायदा बाग बहादुर एक फोक डांसर जो अपनी बॉडी को पेंट करता है ब्लैक एंड येलो और परफॉर्म करता है और चांस की बात थी कि अगली मीटिंग में जो जो चीज़ें मैंने जैसे बोली कि सर मैंने एक प्ले किया था दिल्ली में उसमें छाव हमने यूज़ किया था दैट वॉज द ओनली टाइम आई वॉज एक्सपोज टू छाव दिल्ली में त्रिवेणी एक जगह वहाँ सिखाया जाता था और हमने एनिमल फार्म एक प्ले था उसमें इस्तेमाल किया था मैं आई प्लेड अ डॉग जो किलिंग के लिए तो एवरीथिंग वॉज फॉलिंग इन प्लेस एंड समहाउ ऊपर नीचे जो भी हुआ मुझे फाइनली बाग बहादुर मिली और ये बैक टू बैक दो अलहदा फिल्में 89 के दशक में हमने ये शूट की और बाग बहादुर में थोड़ा सी इस तरह की दिक्कत ज़रूर थी कि जब छाव करना शुरू किया तो छाव एक तो वो सोल्जर तरह होता है और एक जानवरों का तो उसमें ऐसा पाँव उठाना पड़ता था पूरा का पूरा तो पहले दो दिन के बाद जो मेरी कमर दुखनी शुरू हुई और फिर हमें पेंट करना था तो फाइनली एनामल पेंट डिसाइड हुआ कि किया जाएगा क्योंकि बाकी सब पेंट्स क्रैक हो रहे थे और वहाँ लोग करते हैं दशहरे के टाइम में आंध्रा वगैरह में एनामल पेंट फिर वो एनामल पेंट जब होता था तो 3-3.5 घंटे में ऐसे खड़ा रहता था पूरी बॉडी पे होता था फेस से लेकर बैक टोज एवरीथिंग और फिर मैं धूप में बैठता था उसको सुखाने के लिए और शाम तक हल्का टेम्परेचर भी होता था और शाम बहुत मुश्किल होती थी पैकअप के बाद क्योंकि जैसे ही पैकअप होता था हम तो गांव खेड़े में जाके जंगलों में शूटिंग करते थे हमेशा 1.5-2 घंटे की ड्राइव तो सभी लोग गाड़ी में बैठ के चले जाते थे लेकिन मैं फिर से उस टूल पर बैठता था और दो लोग तसले में मिट्टी का तेल डाल के मेरी मसाज शुरू करते थे वो एनामल को निकालने के लिए एनामल पेंट को निकालने काफी मेहनत की है आपने देखिए सलीम लंगड़ा की वजह से बाग बहादुर मिली बाग बहादुर की वजह से मुझे ब्रदर्स इन ट्रबल मैंने एक अंग्रेजी फिल्म की है जिसमें पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक मैं हूँ इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में रॉबर्ट बकलर ने वो लंदन फिल्म फेस्टिवल में देखी तो वो मुझे ढूंढते हुए आए तो उससे एक चेन बन गई हर एक एक्टर को ये सारी चीजें नहीं मिलती है कभी एक टैग लग गया इस तरह का उसे काम मिल गया उसमें हिट हो गया लोगों ने शाकी ने उसे पसंद किया उसी तरह का काम मिलने लगेगा लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने आपकी जितनी भी फिल्में देखी है हर एक फिल्म एक से विभिन्न है अलग है हर एक कैरेक्टर अपने आप में सक्षम है अलग है सो ये आप में सलाहियत बहुत रही है और क्या कभी आपने होती है ना दिन में अच्छा ये रोल अभी मुझे करना है ये रोल मुझे चाहिए ये रोल अभी तक नहीं मिला ऐसा कभी आपने इच्छा जताई है वैसे मैंने सुना है कि आप कभी रोल मांगे नहीं आपने ना आपने मांगने की इच्छा जताई है शुरू में मैंने किया मैं सबसे शुरुआत में किए फिर एक टाइम पे मुझे समझ में आ गया जो मेरे हिस्से में है वो मिलेगा और दूसरा जैसे आपका सवाल है कि इस तरह का रोल मुझे करना सच में नहीं कभी सोचा है जब भी सामने से काम आया तब मैंने उस रोल के बारे में तब मेरी चक्री घूमनी शुरू हुई मैंने कभी नहीं सोचा कि इस तरह करना है क्योंकि मुझे लगता है कि जब रोल आएगा जैसे एक बार ही मुझसे बोला कि फलां डायरेक्टर को मिलने जाओगे ना तो आंख में इंटेंसिटी रखना मैं पागल हो गया मैं तो एक्टर हूँ मैं ना सलीम लंगड़ा हूँ ना ब्लैक फ्राइडे का टाइगर मेमन हूँ ना मैं बाग बहादुर का गुनूराम हूँ हम तो बहरूपी हैं और ज़ाती ज़िंदगी में एक्टिंग थोड़ी करेंगे कि मैं इंटेंसिटी रखूँ जब कि अगर विलेन कर रहा हूँ तो चाकू रखूँ या अक्सर ये कहा जाता है ना कि बहुत सारे लोग उसको इंटेलेक्चुअलाइज करने के लिए काम को कि मैं 3 महीने बस वही जी रहा था मैं नहाया नहीं था I was about to say that, क्या वो एक कैरेक्टर अब बाकी लोगों की तरह जीते हैं नो नो ऑफ कोर्स जीना पड़ता है आप सोचते हैं लेकिन मतलब अगर मैं चिल्ड्रन ऑफ वॉर यू कांट बी दैट ओनली दैट कैरेक्टर ओनली मैं चिल्ड्रन ऑफ वॉर अगर कर रहा हूं तो जिसमें पहला सीन ही है कि मैं रेप करता हूं आई एम किलिंग पीपल तो क्या मैं जाती जिंदगी में वो 3 महीने जो कर रहा हूं रेप करता फिरूंगा आप किरदार को समझ के उस और जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता है तो आप स्विच ऑफ कर देते हैं स्विच ऑफ का मतलब ये नहीं कि उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं वैसे भी 3 महीने आप हाँ आप इस तरह से जी रहे होते हैं किरदार को कि आप जहाँ भी हैं एक पीछे दिमाग में सबकॉन्शियस में चक्री चलती रहती है आप हमेशा कुछ ऐड और कुछ वो करते रहते हैं काम कर रहे हैं आप उसके ऊपर लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई एक्टर स्टेज से गिर गया हो 500 शोज करता है तो जहाँ स्पॉटलाइट है वहीं आके खड़ा होता है ना बिल्कुल सही
और सिनेमा में देयर सो मच ऑफ टेक्निक एंड क्राफ्ट इन्वॉल्वड. इवन इफ यू आर डूइंग अ लव मेकिंग सीन व्हेन द ट्रॉली के ऊपर कैमरा अगर इधर से इधर जा रहा है तो आपका चेहरा इधर से इधर अपने आप आता है ना. देयर सो मेनी ट्रैक्स वर्किंग इन योर माइंड. देयर इज समबडी स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू विद अ थर्मोकोल एंड why I always say that of course theater is a great learning ground for any actor. और क्योंकि आपने थिएटर बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छे अच्छे प्लेज आपने दिल्ली में किए थे, जिसका एक नतीजा हम कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से जिएंगे वो दूसरी चीज़ में उसकी झलक तो आ ही जाती है परछाई. और ऐसा ही थिएटर की परछाई आपके एक्टिंग में भी आती है. और जो थिएटर के साथ जुड़ा हुआ हो वो बहुत ही बेहतर एक्टर तो ज़रूर बन सकता है. नहीं, उसका एक रीज़न है कि ऐसा सब जगह नहीं है. जैसे वहीदा जी से पहली बार जब मिला था तो उन्होंने मुझसे पूछा था आप एनएसडी से हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं किसी ट्रेनिंग स्कूल से नहीं हूँ. तो उन्होंने बोला था पर कितने सारे एक्टर्स हैं जो किसी ट्रेनिंग स्कूल से नहीं है पर फिर भी अच्छा काम कर सकते हैं. तो खैर मैंने उनको उस वक्त बोला था मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे आप मैं एग्जिस्ट करता हूँ यही आपको पता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातें हुई. फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा. ब्रेक के बाद हाजिर हो जाते हैं और पवन मल्होत्रा से अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं. यू स्टे ट्यून्ड. ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है. स्वागत है आपके चाहते प्रोग्राम खास मुलाकात में. आज हमारे साथ में गुफ्तगू है इंडस्ट्री का जाने माना नाम, सबके चाहते एक्टर पवन मल्होत्रा, मोस्ट वर्सटाइल एंड कमिटेड एक्टर. हमेशा जो भी कैरेक्टर मिला उसको बखूबी जिया और ऐसे जिया जैसे कि नया कैरेक्टर हो, जैसे कि अभी अभी नई शुरुआत हो रही हो. पर देखिए उसका थोड़ा सा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ कि जैसे एक फिल्म मैंने की रोड टू संगम, उसमें मेरे जानने वालों ने भी नहीं मुझे पहचाना और फिर बहुत सारे लोगों ने सोचा शायद मेरी आवाज़ किसी ने डब की है. उन्होंने शुक्रिया अदा किया आप मिलने आए. जी वो चेयरमैन है इसलिए मजबूर है, आपको जमात में बैठने की इजाज़त नहीं दे सकते, आप चले जाइए. कहाँ जा रहे हैं आप? हमें भीतर जाना है. आपसे कहा ना फिर कभी मिल लीजिएगा, उनकी तबीयत भी ख़राब है. चलिए हम उनसे मिलना. क्या हिमाकत है ये है? हम उनसे अभी मिलना चाहते हैं. हशमत नुरेज, नुरेज, नुरेज जी, इन्हें जानसनगंज का रास्ता दिखाइए. चलिए आइए. हशमत आइए. ए जल्दी कीजिए. दैट्स आल्सो गुड. आपको कैरेक्टर के जरिए लोग याद करते हैं, मतलब कैरेक्टर ही याद रहना चाहिए. जी वो मेरे डायरेक्टर दोस्त ने बोला, मैंने कहा ये क्या है बिग फैन और नाम तो इसे, बट डू रियलाइज दे Get into your characters so much. घुसते हैं आपके कैरेक्टर में, उनको कैरेक्टर ही याद रहता है और कैरेक्टर याद रहना बहुत बड़ी बात है. वो एक एक्टर की उपलब्धि है, I guess. वो I take it as a compliment. But you never thought of, कभी ज़हन में आया होगा कि लोग ऐसे कमेंट करते हैं, फिर हमारे साथ फोटोग्राफ भी खींचते हैं जैसे आपने कहा, लेकिन बाद में कहते हैं कि आपका नाम क्या है. कभी आपने सोचा कि मुझे भी बाकी एक्टर्स की तरह जो बहुत बड़े जिन्होंने स्टारडम जिया है उन्हीं की तरह एक स्टाइल अपनाना चाहिए? Have you ever thought of like this? No. Never, never. I always felt कि इनको मेरा नाम भी पता होना चाहिए. That's I'll be lying if I say कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आप मेरी फिल्मों में देखिए, चाहे वो सलीम लंगड़ा हो या पंजाब 84 हो, इस तरह बहुत सारी फिल्में एग्जाम्पल बायोपिक अगर किया है जन्म तुम्हारे लेखे तो वो कंधा ऐसा करते थे वो, पर जो भी जेस्चर्स मैंने अपनी फिल्मों के लिए लिए या मैनरिज्म्स वो उस किरदार के साथ मैंने वहाँ छोड़ दी क्योंकि वो उस किरदार के साथ जाते थे, उसके लिए थे. तो मेरी अप्रोच ये है कि हम एक कहानी सुना रहे हैं, ये एक किरदार की कहानी है और ये तभी मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी मेट का सरदार जो पंजाबी है या भाग मिल्खा का पंजाबी है या मुबारक का पंजाबी है या बदमाश कंपनी का पंजाबी है, ये सब अलग लोग हैं और ये मैं तय नहीं करता हूँ. ये जो स्क्रिप्ट मेरे हाथ में दी जाती है वही तय करता हूँ. ऐसा नहीं कि मैं अरे मुझे कुछ अलग करना है, मैं वहाँ से पढ़ के करता हूँ. और हर एक जेस्चर, आप कैसे उठते बैठते हैं, यू नो, अगर आप एक मजदूर का कैरेक्टर कर रहे हैं जो कभी किसी दफ्तर में किसी सोफे पे नहीं बैठा है तो कभी भी सोफे पे ऐसे करके नहीं बैठ पाएगा. वो कॉन्शियस होगा, थोड़ा ऐसा रहेगा जी. उसको सूट पहना देंगे तो, क्योंकि उसने कभी नहीं पहना तो ऐसा लगेगा जैसे हैंगर में कोई. तो वो एक छोटी छोटी जैसे एक कोलाज होता है जब आप कोई किरदार करते हैं. जरूरी नहीं कि हर चीज़ जो आप कर रहे हैं वो यूं दिखेगी ऑडियंस को, एक कोलाज है जो फाइनली वो उसको कम्प्लीट करता है. जी वही एक सही एक्टर की पहचान होती है. शाहरुख खान वो भी
उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आप भी उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। उनके साथ आपने बाद में परदेश और डॉन फिल्म की और सर्कस में भी आप उनके साथ दिखे थे। कभी कभी दिमाग में ये आता है कि आपने भी थिएटर बहुत किया, उन्होंने भी थिएटर किया, कि कहीं अपने अपने लोग जुड़े हुए थे। शाहरुख खान की किस्मत ऐसी चमकी कि बस मे बी स्टाइल की वजह से, उनका एक अलग तरह का स्टाइल था, अलग तरह का ढंग था, लोगों को पसंद आया। आपको कभी एहसास होता है या इस बात का कभी दिल में खलिश है कि शाहरुख खान वहाँ पहुँचे, किंग खान है, और हम 25 साल से अभी भी वो जैसे लग रहा है कि स्ट्रगलिंग पीरियड ही आ रहा है। जब मैं बार बार कहता हूँ डेस्टिनी और उसमें विश्वास है, तो फिर पूरा विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरा, हम दोनों ने अलग अलग राह पकड़ी। उनका जो अप्रोच है और एक्टिंग स्टाइल है, मेरा उससे बिल्कुल अलायदा है ना। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ मैं पवन मल्होत्रा हूँ ना, वो शाहरुख खान है, कोई अमिताभ बच्चन है, कोई सबकी अपनी अपनी जगह है। इसीलिए जो नए लोग कभी स्टूडेंट्स पूछते हैं तो मैं कहता हूँ पर आप अगर शाहरुख खान बनना चाहोगे तो वो तो है, आप अगर अमिताभ बच्चन बनना चाहोगे तो वो तो है, आप शत्रुघ्न सिन्हा बनना चाहोगे हैंग हैंग करोगे तो वो तो है। आप अपने जगह बनाइए, आपको क्या सही लगता है। मुझे सही लगा इस तरह से किरदार निभाना, जैसे कि मैंने बोला कि जेस्चर्स और मैनरिज्म्स तो मेरी कई फिल्मों में, इसका मतलब मैं सोच सकता हूँ और कर सकता हूँ, यू नो, पर मैं उसको उसी फिल्म में छोड़ देता हूँ। पर हर एक ईच टू दे ओन, सबका अपना अपना तरीका है। और जो आपने तय किया है, ऑफ कोर्स मेरे दायरे में, जैसे मुझे ये लगता था कि बहुत बारी क्योंकि मेरे पसंद का मेरे पास काम नहीं आ रहा है, यू नो, और या फिर एक और होता था कि अगर आप जो काम करना चाहते हैं कि बिकॉज आपने वो हार्ड कमर्शियल या मसाला फिल्म का हिस्सा नहीं है तो वो काम आपके पास नहीं आ रहा, किसी और के पास जा रहा है, तो वो आपको कभी लग सकता है कि यार ये एक्चुअली मुझे मिलना चाहिए था, यू नो, ये क्योंकि आप उस दायरे में सेलिब्रिटी वाले में नहीं है या जो भी कहना चाहिए, इसलिए उधर जा रहा है। लेकिन फिर आप फिर जब बैठते हैं वो मोमेंट्स होती हैं जो कि होना भी चाहिए, यू नो। जैसे बीच में एक टाइम था कि मैं बिल्कुल मंदिर नहीं जाता था, बाद में एक टाइम पर एहसास हुआ कि यार भक्ति रस का तो मैंने एहसास किया ही नहीं लाइफ में, अब समझ में आया, यू नो। तो वो मोमेंट्स होती हैं, ये कहना कि कभी दिल में उथल पुथल नहीं हुई, कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई, कभी डर नहीं लगा। जब लंबा गैप होता है तो फिर देन यू ट्राई एंड चूज द बेस्ट पॉसिबल, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे बिल्स। बिल्कुल सही। एंड शुरू में आई वेंट अराउंड, मेट एवरीवन काम के लिए, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। और ये भी बोला गया कि जैसे मुझे आज भी याद है पृथ्वी थिएटर में मैं एक रोज बैठा था, काफ़ी साल पहले सलीम नगला आ चुकी थी और हमारे एक दोस्त ने हमसे बोला अरे सो एंड सो डायरेक्टर इज इन जूहू होटल नेक्स्ट टू मैरियट, चले ना मैं जानता हूँ, मैं मिलने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। और वहाँ गए तो वो जो मुझे लेके गए थे वो जानते थे, उनकी तरफ तो उन्होंने कम देखा और मुझे बोला बैठिए बैठिए बैठिए। मैंने दो बार सलीम नगला यहाँ चलाई है, लेकिन आज भी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं प्रोड्यूसर को कह सकूँ ये मेरी कास्ट होगी, लेकिन आपके साथ काम ज़रूर करना चाहूँगा। या अभी मैंने अनीस बज़मी जी के साथ काम किया है और बहुत मज़ा आया मुझे, मुबारक उनके साथ करके। बहुत साल पहले, आज से ऑलमोस्ट 25 साल पहले, सलीम नगला बाग बहादुर के बाद ही मैं उनको फिल्मिस्तान स्टूडियो में, मैं ऐसा सीढ़ी चढ़ रहा हूँ और उन्होंने मुझे रोक के मुझसे कहा था कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। तो मैं इसी में खुश था कि किसी ने मेरा काम नोटिस किया, सराहा। देखिए एक्टर, मैं झूठ बोलूंगा कि जब मेरे काम की तारीफ की जाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। और आपने दो नेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। बाग बहादुर को बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड मिला, सलीम लंगड़े पे मात्रों को बेस्ट हिंदी फिल्म नेशनल अवार्ड मिला एक ही साल में। मुझे नेशनल अवार्ड मिला फकीर फिल्म, फकीर फिल्म के लिए, एग्जैक्टली गौतम घोष की फिल्म 98 में। चरित्र का चीज है, बोलो तो चाचा, कल वो उस्मान में बोल रहा था अपना बीबी को पता में रखो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, आपको बहुत ज़्यादा और कामयाबी मिली और इसी तरह से लगातार आप अलग अलग तरह के किरदार निभाते रहें और सभी लोगों को एंटरटेन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, प्लेजर टॉकिंग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आ गया होगा। ज़रूर हमें लिखिए इस ईमेल आईडी पे vichyshiba.lateef@nw18.com। अच्छी फिल्में देखने के शौकीन हो जाइए और अच्छे किरदार को समझने की कोशिश करें, फ़ायदे में रहेंगे। फिलहाल बाय बाय, खुदा हाफिज़।